और भारत की नई पीढ़ी को हमेशा हमेशा प्रेरणा मिले, इसका प्रयास किया जाएगा। फिर एक बार मैं भारत के इस महान सपूत को अंजलि देता हूँ, इस भारत के महान सपूत को वंदन करता हूँ और इनकी कल्पना कर सकता हूँ। अस्थि जब हिंदुस्तान की मिट्टी पर पहुंचे 1930 में, जिसने अपना जीवन दे दिया, 76 साल के बाद, मृत्यु के 76 साल के बाद जब उनकी इच्छा पूरी होगी, आज उनके आत्मा को कितनी शांति होगी। मेरे साथ बोलेंगे, मैं कहूंगा शांति वर्मा, आप कहेंगे अमर हो। शांति कृष्ण वर्मा, शांति कृष्ण वर्मा, शांति कृष्ण वर्मा। यहाँ पर सिर्फ दर्शन का कार्यक्रम था, सभा शाम को 5 बजे बोरीवली में है, वहाँ मैं विस्तार से इस सारे विषय की चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन आप देखिए, श्याम जी कृष्ण वर्मा 77 साल की आयु तक जीवित रहे। उनका स्वर्गवास हुआ तब उनकी आयु 77 साल हुई थी और 77 साल तक 73 ईयर तक उनके अस्थि जिनेवा में रहे। आज 77 साल के बाद उनकी अंतिम इच्छा पूर्ण हो रही है। आजादी की कितनी तड़पण होगी कि मरते दम तक उनकी इच्छा थी कि आजाद भारत खुद जाए, और न जा पाए तो उनके अस्थि भी हिंदुस्तान आजाद हो तब ले जाएगा। लेकिन देश का दुर्भाग्य रहा कि 15 अगस्त को आजादी के दूसरे दिन ही करना चाहिए था। 16 अगस्त को भारत माँ के इस सपूत के अस्थि हिंदुस्तान ला करके इस भारत माँ के सपूत का कर चुकाना चाहिए था। लेकिन हमारे शासकों ने इस बात को दरकिनार कर दिया। ये वो लोग हैं जिनको पार्लियामेंट में वीर सावरकर का तैलचित्र मंजूर नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको भगत सिंह मंजूर नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको मैडम कामा मंजूर नहीं है, चंद्रशेखर आजाद मंजूर नहीं है। अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन ये सब भारत माँ के सपूत तरीके भिन्न हो सकते थे, लेकिन वो आजादी की लड़ाई लड़ते थे। और आजादी की लड़ाई लड़ने वाले उस महापुरुष के अस्थि 77 साल तक इंतजार करते रहे कि कोई उसे हिंदुस्तान, उस आजाद भारत की मुट्ठी के पास ले जाए। मुझे संतोष है इस कार्य में यश मिला, लेकिन ये कोई एक नरेंद्र मोदी का यश नहीं है। अनेक सांसदों ने चिट्ठियां लिखी हैं, अनेक लगातार विषय पर आर्टिकल लग करके इस ज्योत को जिंदा रखा है। हमारे हिंदू चाचा काल में उन्होंने किताब लिखी थी, यानी पिछले 77 वर्ष में कईयों ने कुछ न कुछ प्रयास किया है। जिन जिन लोगों ने इस कार्य के लिए प्रयास किया है, मैं आज उन सबका भी ऋण स्वीकार करता हूं। लेकिन शायद ईश्वर की इच्छा होगी निमित्त बनने का, मेरे भाग्य में आया और मुझे संतोष है कि 77 साल के बाद और आजादी के इतने वर्षों के बाद इस देश के एक सपूत की अंतिम इच्छा पूर्ण होने जा रही है। बाकी बातें विस्तार से श्रद्धासुमन अर्पित है। फिर एक बार मेरे साथ मैं कहूंगा श्याम जी वर्मा, आप कहें अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस देश के कॉन्वेंट बच्चों के लिए मुझे दया आती है कि भारत माता के सपूत के लिए ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं। हमें तो दुख होना चाहिए कि 77 साल तक इस महापुरुष की अंतिम इच्छा हमने पूरी नहीं की।
और आजादी के आंदोलन के लिए जीवन लगाने वाले हर व्यक्ति का स्मरण करना देश को हमेशा प्रेरणा देता है। मैंने ऐसा कोई देश नहीं देखा है और ऐसे नागरिक नहीं देखे हैं कि जो अपने पूर्वजों को भुलाने के लिए प्रयास करते हैं। राष्ट्रनीति और राजनीति के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। ये राष्ट्रनीति है, ये देशभक्ति का मिसाल है और देश की नई पीढ़ी को आज़ादी के आंदोलनकारियों को स्मरण कराने का प्रयास है। सवाल तो उनको पूछना चाहिए कि जिन्होंने 73 साल तक भारत माँ के इस सपूत की अंतिम इच्छा को पूरा नहीं किया, उनको पूछिए क्या वो राजनीति थी। और अगर श्याम जी कृष्ण वर्मा से विश्व मानव रहे हैं, शायद ये सवाल पूछने वाले बच्ची को मालूम नहीं होगा, पहली बार शायद उन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम सुना होगा। ये अच्छा होता हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार की पहले व्यवस्थाएं रही होती कि देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए काम करने वाले लोगों को स्मरण किया जाता, तो देश की नई पीढ़ी को नई प्रेरणा मिलती। और अगर देश को नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती तो नई पीढ़ी के जो लोग हैं उनके मन में ऐसे सवाल नहीं उठते। और अच्छी बात है कि आज भारत माता के इस सपूत को सम्मान देने का अवसर आया है, इसमें राजनीति हो